आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पीएम मोदी के जन्म दिवस पर चलाया सफाई अभियान। हमीरपुर जिला के नदौन भाजपा महिला मोर्चा ने कांगू में महिला सम्मेलन का किया आयोजन, सम्मेलन में जमकर कोसा पटेल सरकार को। चुनावों के नजदीक राजनीतिक गतिविधियां चरम पर, महिला सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल सक्रिय, कांग्रेस ने भी किया महिला सम्मेलन का आगाज। कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी प्रमिला देवी ने भाजपा की रथ यात्रा और जनसंपर्क अभियान पर की तीखी टिप्पणी। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, सभी ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सफाई दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्र के लिए स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय अभियान है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर उनके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, सभी ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सफाई दिवस के रूप में मनाया जाना उचित है। राष्ट्र के लिए स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय अभियान है। धूमल ने कहा कि केवल एक दिन सफाई से कुछ नहीं होता, ये सफाई लगातार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपना आस पड़ोस, गली मोहल्ला, सब जगह साफ सफाई रखनी चाहिए। एक दिन का सफाई अभियान जागरूकता बढ़ाने के लिए है। बाकी के 364 दिन सभी को यह सफाई अभियान अपने क्षेत्र में खुद चलाना चाहिए। जैसे हम हर वर्ष महिला दिवस, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वैसे ही आज सारा देश प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सफाई दिवस के साथ जोड़कर मना रहा है। देश सफाई के प्रति जागरूक हो रहा है। लोग अब समझ गए हैं कि सफाई कितनी आवश्यक है। इस अवसर पर विजय पाल सुहारू, प्यारेलाल शर्मा, बलदेव धीमान, अजय शर्मा, अंकुश दत्त शर्मा इत्यादि सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे। राष्ट्र के लिए स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय अभियान है और ये बहुत उचित है कि उनके जन्मदिन को हम सफाई दिवस के तौर पर मनाएं। केवल एक सफाई के दिन नहीं होगा, लगातार साफ रहना होगा। अपना अड़ोस पड़ोस, अपना घर, अपना इलाका जहां हम रहते हैं, उसको सारे को साफ रखने के लिए सबको प्रयास करना होगा। एक दिन का अभियान का अर्थ तो ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लेकिन जागरूकता ऐसी पैदा हो कि 365 दिन साल में हम लगातार सफाई करें, अपने आसपास सफाई करें। जैसे हम हर वर्ष कभी महिला दिवस मनाते हैं, कभी भूमि दिवस आर्थिक दिवस मनाते हैं, कभी पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मोदी जी के जन्मदिन को आज सफाई दिवस के साथ जोड़कर मनाया जा रहा है। सारा देश जागरूक हो रहा है कि सफाई कितनी आवश्यक है बीमारियां वगैरह खत्म करने के लिए और अन्य अनेकों जो समस्याएं पैदा होती हैं गंदगी के कारण, उनको खत्म करने के लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर स्वच्छता को प्राथमिकता दें और इसे हर वक्त हर दिन स्वच्छ रखें, अपने आप को भी अपने और लोगों को। हमीरपुर जिला के नदौन भाजपा महिला मोर्चा ने कांगू में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष इंदु गोस्वामी भी मौजूद रही। सम्मेलन में पहुंचने पर महिला मोर्चा की प्रधान अनिता ठाकुर और नदौन विधायक विजय अग्निहोत्री ने पूर्व सीएम को शॉल व मेमेंटो देकर सम्मानित किया। सम्मेलन के दौरान धूमल ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। जिला हमीरपुर के नदौन में भाजपा महिला मोर्चा ने
कांगू में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष इंदु गोस्वामी भी मौजूद रही। सम्मेलन में पहुंचने पर महिला मोर्चा की प्रधान अनिता ठाकुर और नदौन विधायक विजय अग्निहोत्री ने पूर्व सीएम को सॉल्व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सम्मेलन के दौरान धूमल ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। नदौन बीजेपी विधायक विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला और कहा कि सुक्खू ने अपने ही गृह क्षेत्र की अनदेखी की है और विकास को करवाने के लिए एमएलए फंड तक रोका है। आज इस नदौन विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 4.5 सालों से पौने 5 सालों से जब से वीरभद्र सिंह की सरकार बनी है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और भेदभाव ही नहीं हो रहा है, भेदभाव के साथ साथ यहाँ के विकास को जो ग्रहण लगा है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता उनके नेता है वो आज विकास के विरोधी हो गए। आज यहाँ इस क्षेत्र के विकास को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में विकास ना हो, यहाँ के लोगों को सुविधाएं ना मिले, उसके लिए तरह तरह के धंधे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो हैंडपंप लगाने की बात हो, चाहे वो अन्य कोई बात हो, चाहे वो इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की बात हो, चुन कर उनके ऊपर केस बनाने की बात, पैसा दिया गया उस पैसे को भी खर्चने ना देने की बात। वहीं सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए धूमल ने कहा कि भाजपा में महिला शक्ति को उचित सम्मान दिया जाता है, जिसका प्रमाण पार्टी द्वारा बूथ लेवल से लेकर केंद्र स्तर तक महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। धूमल ने कहा कि अन्य राज्य तरक्की कर रहे हैं लेकिन हिमाचल की हालत दयनीय बनी हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हर राज्य तरक्की कर रहा है पर आपके यहाँ आपने देखा सब आए आप दूर दूर से, सड़कों की हालत क्या है, क्या स्थिति हो गई है सड़कों की, स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की, तो आप सब व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। इस प्रदेश में आज एक ऐसी भ्रष्ट सरकार है जो विकास चाहती ही नहीं, जो केवल भ्रष्टाचार करती है, हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उस बेटी ने पूछा सर अगर मुख्यमंत्री की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ होता तो क्या मुख्यमंत्री कहता कि सामान्य घटना। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट अपोजिट दीप एंड कंपनी नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिरडी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, एनआईसीयू पीआईसीयू जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:20:15 सर्टिफाइड, ऑपोजिट
संत निरंकारी भवन नियर हथली ब्रिज भोटा रोड हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत। घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस। हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाए एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारे रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास ब्रिज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452118163351444। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावों के नजदीक हमीरपुर जिला में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं और खासकर महिला सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस और BJP दोनों ही दल सक्रिय हैं। BJP ने जहां नदौन के कांगू में महिला सम्मेलन किया तो सुजानपुर में कांग्रेस ने महिला सम्मेलन का आगाज कर दिया। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने इस सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने BJP और PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। राणा ने PM मोदी को दिल्ली वाला मदारी कहा और कहा कि चुनावों के नजदीक दिल्ली से नेता जनता को गुमराह करने आते हैं और बाद में भूल जाते हैं। चुनावों के नजदीक हमीरपुर जिला में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं और खासकर महिला सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस और BJP दोनों ही दल सक्रिय हैं। BJP ने जहां नदौन के कांगू में ही महिला सम्मेलन किया तो सुजानपुर में कांग्रेस ने महिला सम्मेलन का आगाज किया, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने शिरकत की। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने BJP और PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। राणा ने PM मोदी को दिल्ली वाला मदारी कहा और कहा कि चुनावों के नजदीक दिल्ली से नेता जनता को गुमराह करने आते हैं और बाद में भूल जाते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर की जनता के काम BJP ने नहीं करवाए हैं और हर वक्त राजेंद्र राणा ने ही लोगों की समस्याओं का निदान किया है। राणा ने PM मोदी पर आरोप लगाया कि 4 साल पहले सुजानपुर चौगान में आकर घोषणाएं करके गए थे लेकिन आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना ही प्रमुख लक्ष्य है। इसके साथ ही समाज सेवा एवं लोगों की समस्याओं को जल्द निवारण करना भी प्रमुख लक्ष्य है। राणा ने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र में महिला मंडलों को चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण के लिए आर्थिक मदद प्रदान की गई है। वहीं पर सर्व कल्याणकारी संस्था की ओर से सुजानपुर क्षेत्र के 586 महिला मंडलों को 6 बार सम्मानित किया गया। महिला मंडलों को आवश्यक सामान भी उपलब्ध करवाया गया है और अब 7वीं बार महिला मंडलों को वाटर प्रूफ टेंट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक या आर्थिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महिला मंडलों को सुविधा मिल सके। राणा ने कहा कि सुजानपुर के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण को विशेष तरजीह दी गई है तथा 90 करोड़ की राशि सड़क निर्माण पर व्यय की गई है, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सुजानपुर क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो भाजपा को जनता की याद आती है, जबकि चुनावों के बाद भाजपा के नेता गायब हो जाते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि अब फिर दिल्ली तथा पंजाब के नेता हिमाचल के चक्कर काटने लगे हैं, लेकिन ये लोग कभी भी हिमाचल के लोगों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। राणा ने कहा कि प्रदेश में विकास के मुद्दे पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक जाएं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए सबको प्रेरित करें। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा सचिव अभिषेक राणा, जिला परिषद सदस्य गौरा देवी, BDC के उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर, अनु देवी ने भी महिला सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली वाले मदारी यहाँ पर आ जाते हैं ग्राउंड में, तो दिल्ली में जाते हैं
यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी 2014 में 16 फरवरी को यहाँ आए थे। पर 16 फरवरी के बाद तो नहीं आपका आभूषण आए आपके कि आए, आपको कोई समस्या हुई तो रविंद्रनाथ आपके घर पहुंचे, आपका हाल पूछा, आपकी तकलीफ के बारे में जाना, अगर उसका हल करने वाला तो हल किया। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? दिल्ली वाले नहीं आ रहा आपका हाल चाल पूछ रहा है। दिल्ली वाले आएंगे पर भाषण देने के लिए आएंगे और सिर्फ आपका वोट मांगने के लिए आएंगे, परंतु जब आपको समस्या आएगी तो दिल्ली से आपका हाल चाल पूछने नहीं आएगा कोई भी। हाल चाल हम लोग पूछेंगे। फैसला आपने करना है कि रविंद्र राणा चुनाव लड़ता है तो रविंद्र राणा के आगे दूसरा कौन आदमी है उसमें आपको तुलना करनी है कि भाई आपके काम कौन कर रहे हैं, आपके काम कौन कर सकता है, इसकी तुलना आपने समाज में। भोरंज से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी एवं राज्य महिला आयोग के सदस्य प्रोमिला देवी ने भाजपा की रथ यात्रा और जनसंपर्क अभियान पर तीखी टिप्पणी की है। प्रोमिला देवी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि भाजपा की रथ यात्रा के लिए गाड़ियों का खर्च कहां से आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा काले धन को वाइट करने के लिए इस तरह रथ यात्रा में काले धन को खर्च कर रही है। भोरंज से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी एवं राज्य महिला आयोग सदस्य प्रोमिला देवी ने भाजपा की रथ यात्रा और जनसंपर्क अभियान पर तीखी टिप्पणी की है। प्रोमिला देवी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि भाजपा के रथ यात्रा के लिए गाड़ियों का खर्च कहां से आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा कालेधन को वाइट करने के लिए इस तरह रथ यात्रा में कालेधन को खर्च कर रही है। कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी प्रोमिला देवी ने भाजपा की रथ यात्रा की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यदि भाजपा द्वारा रथ यात्रा पर खर्च होने वाले पैसे को लोगों की सुविधा के लिए खर्च किया जाता तो लोगों की समस्याएं हल होनी थी और क्षेत्र का विकास होना था, लेकिन भाजपा ने हमेशा भोरंज की जनता को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिखावे की राजनीति कर रही है और सत्ता की चाह में इस तरह की यात्राएं निकाल कर ड्रामा कर रही है। जनसंपर्क अभियान जो है वो किसी भी राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी कर सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि ये जो रथ यात्रा के लिए जीप या ट्राले जो इन्होंने निकाले हुए हैं, इसके लिए धन कहां से आया, और लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े इन्होंने मोदी के पोस्टर या बैनर चिपकाए हुए हैं या फोटो लगाए हुए हैं, क्या इसके ऊपर पैसा नहीं लग रहा है? पैसा किसका है? जनता का पैसा है। तो इनको दिखा के क्या गरीब आदमी को रोटी मिल जाएगी? क्या कोई अमीर है तो उसकी समस्या का हल हो जाएगा? उसकी गरीब या अमीर की ना समस्या का हल होगा। और ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा, ये टोटली जहां तक व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं, ये पैसा ब्लैक का है इनके पास, तभी ये जीप और ट्राले जो हैं वो घूमे हुए हैं। अदरवाइज तेल की कीमतें कितनी है, पिक्चर इन्होंने बनाई हुई है, पेंटिंग की हुई है, उसके लिए तो खर्च हो रहा है। ये बहुत अपमानजनक बात है। हिमाचल प्रदेश हो या कोई और स्टेट हो, इसकी मैं निंदा करती हूँ कड़े शब्दों में। ये गलत है और ये ड्रामेबाजी है टोटल। इसी ही पैसे को यदि जनता में लगाया जाए तो जनता का विकास हो सकता है। इसी पैसे से कोई पानी की स्कीम हो सकती है जिससे पानी की लोगों की समस्या का समाधान हो। ये जो ट्रालों और जीपों में ये मशहूरी के लिए पैसा लग रहा है, इस ट्राले से, इन जीपों से सड़क बन सकती है कोई, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखावे की राजनीति के ऊपर उतारू हो गई है और सत्ता की भूख के पीछे लगी हुई है। तो सत्ता की भूख करना को बुरी बात नहीं है, मगर बेहाथा सत्ता की, बिना काम किए सत्ता की भूख वो कर रहे हैं। मैं नहीं इस चीज को उचित समझ रही हूँ। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद।
आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस, नियर हनुमान मंदिर, मटनसी, हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562722 8942339390। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से ले लिया। लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन रिलायबल है, I have to be sure. वैसे लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। ओह नो, फोन अंदर नहीं आया, खराब हो जाएगा। नो सर, इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल, आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816789389 9805816833। हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर। ठाकुर मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल के नंबर वन ड्राइविंग स्कूलों में से है एक, जहां पर अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा LMB नॉन ट्रांसपोर्ट, LTV ट्रांसपोर्ट व्हीकल, HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वाहन को चलाने का आधुनिक तकनीक से दिया जाता है प्रशिक्षण। ड्राइविंग के साथ साथ गाड़ियों के कलपुर्जों की भी दी जाती है जानकारी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के साथ साथ शादी विवाह व टूर के लिए भी बुक की जाती है गाड़ियाँ। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रदूषण जांच केंद्र की भी है सुविधा। तो ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर, नियर पेट्रोल पंप हथलीखड हमीरपुर। हमारा नंबर है 9418667908 9418400349। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ग्रामीण सब रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। PNB के सौजन्य से हर माह ही
अलग अलग कंपनियों से युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है ताकि युवा स्वरोजगार अपनाकर आर्थिकी सुदृढ़ कर सके। हमीरपुर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पीएनबी के सौजन्य से हर माह ही अलग अलग कंपनियों से युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है ताकि युवा स्वरोजगार अपनाकर आर्थिकी सुदृढ़ कर सके। पीएनबी आरसीटी डायरेक्टर रवि दास शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष के बजट के अनुसार 625 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 12 बैच पूरे हो चुके हैं और लगभग 205 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर बीपीएल परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को कारोबार के लिए लोन की आवश्यकता होती है तो उन्हें बैंक द्वारा सस्ती दरों पर लोन भी दिलवाया जाता है ताकि वो स्वावलंबी बन सकें और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। पास आज जो ट्रेनिंग का बैच चल रहा है पीएमईजीपी का बैच चल रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें हमारे पास 20 कैंडिडेट्स जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं जो डिफरेंट एजेंसियों से स्पॉन्सर है डीआईसी केवीआईसी और केवीआईपी से और जो अपना अपना उद्यम लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारा 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम चला हुआ है। हमारा जो इस वित्तीय वर्ष के लिए जो हमारा बजट दिया गया है वो हमें 625 लोगों को ट्रेनिंग देने का है और 25 बैचेस में ट्रेनिंग देनी है वो। तो अभी तक हम 12 बैच कंप्लीट करने जा रहे हैं ये जो बैच चला उसके साथ, और लगभग हम 250 कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारा लक्ष्य जो है 625 का है और हम मेन फोकस कर रहे हैं बीपीएल कैंडिडेट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में एग्रीकल्चर में प्रोसेस में प्रोडक्ट में उनको ट्रेनिंग देने की ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते, अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो इनको ट्रेनिंग देते हैं हम, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को बैंक से सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हमें सहायता चाहिए हम उनका ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं और कंसर्न बैंक जो जिस जिस बैंक से वो लोन लेने जाते हैं वहां हम आगे इनको भेजते हैं रिकमेंड करके और उनका वहां से लोन इनको आसानी से आसान किस्तों पे और आसान ब्याज दर पे उपलब्ध हो जाता है। पीजीपी का बैच चल रहा है इनमें सब्सिडी है, अब लेडीज के लिए 35% सब्सिडी है, जेंट्स के लिए 25% सब्सिडी है, तो इस स्कीम में सब्सिडी इनको दी जाती है। चलते चलते एक बार फिर रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पीएम मोदी के जन्मदिवस पर चलाया सफाई अभियान। हमीरपुर जिला के नदौन भाजपा महिला मोर्चा ने कांगू में महिला सम्मेलन का किया आयोजन, सम्मेलन में जमकर कोसा प्रदेश सरकार को। चुनावों के नजदीक राजनीतिक गतिविधियां चरम पर, महिला सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल सक्रिय, कांग्रेस ने भी किया महिला सम्मेलन का आगाज। कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी प्रमिला देवी ने भाजपा की रथ यात्रा और जनसंपर्क अभियान पर की तीखी टिप्पणी। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए एस टूडे के साथ। नमस्कार।